स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए कुछ खास होने वाला है, कुछ खास होने वाला। अभी तक जो हमारा सेशन चला आ रहा था हार्ड ड्राइव पे रिलेटेड, सिस्टम कंपोनेंट से रिलेटेड, तो आज हम लोग हार्ड ड्राइव से रिलेटेड प्रैक्टिकली लाइव हम लोग देखेंगे कि हार्ड ड्राइव में क्या क्या इंटरनली एक्सटर्नली कंपोनेंट होता है, किस कंपोनेंट का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, और उसको कैसे समझेंगे, उसमें होने वाले प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का निचोड़ आज मैं आपके सामने लाइव लाया हूँ। लाइव में आज आपको दिखाऊंगा कि हार्ड ड्राइव के इंटरनली क्या क्या ऐसे कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या सावधानियां होती हैं जो आपको अपनानी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हमारा डाटा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हर चीज स्टोर होता है। उसकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो हार्ड ड्राइव का जो मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल ड्राइव, जो मैकेनिकल जिसमें डिस्क होता है, उसमें एक सावधानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हार्ड ड्राइव को गलती से भी गिराना नहीं होता। अगर आप एक इंची या दो इंची के हाइट से भी हार्ड ड्राइव को गिरा दिए, गिर गया तो वो डैमेज हो सकता है। इसका पीछे क्या कारण है वो आप आज इंटरनली आप देख लोगे क्या वजह है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है, ऐसा डिस्क होता है जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। जी हाँ, तो हर एक पार्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पूरा का पूरा वीडियो को आप वॉच करना। और इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको एक बात बता दूं कि अभी तक हमारा जो सेशन चला आ रहा है हर दिन का, अगर उनमें से कोई भी सेशन आपका छूट गया दोस्त, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, हर एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्टेड है। सो हर एक सेशन को आपके लिए इंपॉर्टेंट है अटेंड करना। तो अभी तक जो भी सेशन आपने अटेंड किए, कुछ भी छूट गया हो, तो आप वीडियो चैनल के लिंक में जाओ। मैं आपका अपना कॉर्पोरेट ट्रेनर ट्रेडर्स, मैं आपका मिथिल कुमार मंडल आपको हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं, और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या हमारे लिए आज खास होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप पूरा वॉच करें, तभी पूरा आपको समझ में आएगा, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मैंने आपको बताया कि आज हम लोग हार्ड ड्राइव के इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लीट कंस्ट्रक्शन लेआउट को समझेंगे, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन लेआउट को जानेंगे। तो मैं आज आपके लिए ये एक हार्ड ड्राइव लेके आया हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये WD का हार्ड ड्राइव है, वेस्टर्न डिजिटल कॉरपोरेशन। जी हाँ, वेस्टर्न डिजिटल का ये हमारा हार्ड ड्राइव है। और इस हार्ड ड्राइव का खास बात ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 80 GB है। बैक साइड का व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हार्ड ड्राइव का जो बैक साइड व्यू है वो कैसा दिखता है नॉर्मली। ठीक है, ये आपका बैक साइड का व्यू हो गया और ये आपका फ्रंट साइड का व्यू हो गया। ये सेक्शन दिए हुए हैं जिसमें हमारे कंप्यूटर से ये कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम लोग हार्ड ड्राइव को रिव्यू कर लेते हैं, क्या इसमें नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। तो ये वेस्टर्न डिजिटल WD का हार्ड ड्राइव है, सीरियल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सीरियल नंबर है वेस्टर्न डिजिटल का। इसकी जो कैपेसिटी है वो 80 GB है, 80 GB। ठीक है, और ये 5V DC 0.45 A पे काम करता है। 12V DC इसके मोटर के लिए चाहिए होता है, 0.50 A। मैंने ऑलरेडी बताया था कि फिजिकल जितने भी डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव होते हैं, उसमें मैकेनिकल पार्ट होते हैं, मोटर होते हैं, प्लेट होता है, उसी पे वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। इसके अलावा यहाँ पे WD का कुछ पिन वैलिड नंबर दिया होता है कि आपका जो इसका जो कनेक्शन है हमारा कंप्यूटर से जो होंगे या पावर से होंगे, इसमें यहाँ जो फ्रंट में हमारा ये जो पिन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो इंटरफेस दिए हुए हैं, किस इंटरफेस में क्या लगेगा, इसका पूरा लेआउट कुछ कुछ हार्ड ड्राइव में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस हार्ड ड्राइव में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कितने पिन है और कौन सा क्या कनेक्टर है, कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका स्पीड क्या है। जैसे कि आपको इससे पहले सेशन में मैंने आपको हार्ड ड्राइव के स्पीड के बारे में बताया कि कितना MBPS पे वर्क करता है, क्योंकि ये साटा हार्ड ड्राइव है, जिसकी अगर आप स्पीड देखो तो ये 150 MB/s ओनली ऑपरेशन, ऑपरेशन से रिलेटेड इसमें जो स्पीड दिया हुआ है वो 150 MB/s, 150 MBPS का स्पीड इस हार्ड ड्राइव की है, जिसकी कैपेसिटी 80 GB है, ओनली 80 GB। जी हाँ, तो ये व्यू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि हार्ड ड्राइव किस कंपनी का है, क्या कैपेसिटी है, क्या स्पीड से ये वर्क करता है। ठीक है, अब इसका हम लोग लेआउट को समझते हैं, बनावट को। तो इसके बैक व्यू को अगर आप देखें, इस व्यू को, तो ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जो एक सर्किट बोर्ड आपको दिख रहा, इस सर्किट बोर्ड को हम लोग लॉजिक कार्ड कहते हैं। इस सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, लॉजिक कार्ड कहते हैं, लॉजिक कार्ड।
ये हमारा सर्किट है जो हार्ड ड्राइव के इंटरनल पार्ट से हमें कनेक्ट करता है, हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है इंटरनल पार्ट से, और यही लॉजिक कार्ड हमें इंटरफेस देता है जिससे हमारा कंप्यूटर, हमारा पावर सप्लाई, हमारा कंप्यूटर और हमारा पावर सप्लाई इस हार्ड ड्राइव से कनेक्ट हो पाता है। यानी इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा हार्ड ड्राइव हमारे कंप्यूटर से, हमारे सिस्टम बोर्ड से कनेक्ट हो पाती है इन सारे इंटरफेस के वजह से। तो वो हमें कौन देता है? ये लॉजिक कार्ड। ठीक है, तो कभी कभी डेस्कटॉप या लैपटॉप किसी भी हार्ड ड्राइव का ये लॉजिक कार्ड वाला सेक्शन खराब होता है, हाई वोल्टेज हीटिंग की वजह से लॉजिक कार्ड खराब होता है। इस लॉजिक कार्ड को आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कुछ वे में। बहुत ज्यादा अगर डैमेज है, हीट होने की वजह से सर्किट ब्लॉक हो जाएगी, तो आपको इसको रिप्लेस करना होगा, बदलना होगा दूसरे हार्ड ड्राइव से। दूसरा, कभी कभी इसमें कार्बन का लेयर आ जाता है। ये जो इंटरफेस हमारे कंप्यूटर के सॉकेट से कनेक्ट होते हैं, पावर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं, इसमें कार्बन का लेयर आ जाता है। तो आपको करना क्या है, एक रबर लेना है, रबर से इसको क्लियर कर देना है। कभी कभी अगर हार्ड ड्राइव आपका कंप्यूटर पर डिटेक्ट नहीं हो रहा, शो नहीं कर रहा, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस इंटरफेस को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जितने भी इंटरफेस दिए हुए हैं, इन दोनों इंटरफेस के अलावा यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये इंटरफेस दिया हुआ है। ये जो आपको इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा, इस इंटरफेस को हम लोग कहते हैं पाटा, आपका जो मोलेक्स 4 पिन का होता है SMPS का, उसके लिए दिया हुआ। यहाँ पे 4 पिन है क्योंकि ये ओल्ड हार्ड ड्राइव है साटा का ही, इस वजह से यहाँ पे आपका ओल्ड सॉकेट भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और इसके अलावा ये जो आपको सॉकेट दिख रहा, ये जो पिन्स आपको दिख रही है, 1, 2, 3, 4, कुल 4 पिन का रो है, टोटल 8 पिन है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको जम्पर सेटिंग कहते हैं। जम्पर सेटिंग यानी अर्थ होता है कि जब हम लोग एक से अधिक हार्ड ड्राइव यूज करते हैं और उनमें से किसी एक हार्ड ड्राइव को हम लोग मेन हार्ड ड्राइव बनाना चाहते हैं, प्राइमरी हार्ड ड्राइव बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग जम्पर का इस्तेमाल करते हैं। जब एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, उनमें से हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि कौन सा हार्ड ड्राइव हमारा प्राइमरी हार्ड ड्राइव होगा, यानी किस वाले हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, सॉफ्टवेयर होगा जिससे हमारा कंप्यूटर चालू होगा। इससे रिलेटेड हम लोग आगे का सेशन में समझेंगे कैसे उसको हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी बनाते हैं, इस जम्पर का यूज कैसे करते हैं। आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे एक एक पार्ट का। जैसे कि मैंने बताया कि आपके बैक साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे पिन्स का लेआउट दिया हुआ है कि कौन सा पिन क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है साटा पावर P15, यानी ये 15 पिन का होता है। सीरियल डाटा यानी साटा डाटा के लिए S7, यानी ये 7 पिन का होता है। और यहाँ पे ये जो मैंने बताया आपको फैक्ट्री जम्पर सेटिंग, जम्पर सेटिंग इसको कहते हैं, जम्पर का नंबर दिया हुआ है। इसको तब यूज करते हैं जब हम लोग एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, तब हम लोगों को जम्पर सेटिंग करना पड़ता है। उसमें भी बहुत सारी केसेस है, तभी करना पड़ता है। और लास्ट जो पिन का ऑप्शन है लिगेसी पावर, ये एक्चुअल में 4 पिन का मोलेक्स पावर के लिए होता है, जो कि पाटा हार्ड ड्राइव पुराने हार्ड ड्राइव में होता था, मगर इस साटा हार्ड ड्राइव में भी एक्स्ट्रा दे दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपका साटा का भी सॉकेट दिया हुआ है। तो यहां से जो हम लोगों को क्लियर हो पा रहा, इससे हमें ये समझ में आ रहा कि ये जो हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट, ये वाला, ये हमारा 15 पिन का है, ये साटा पावर सॉकेट है। यानी हमारा जो पावर सप्लाई यूनिट मैंने आपको बताया था, उसमें जो ब्लैक सॉकेट होती है, वो वाला सॉकेट इसमें लगेगा। इससे क्या होगा, हमारे हार्ड ड्राइव को पावर मिलेगी, वो जो ब्लैक सॉकेट है हमारे इस सॉकेट में लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड साटा पावर सॉकेट ऑफ हार्ड ड्राइव। और ये जो हमारा है वो 7 पिन का सॉकेट है, जो हमारे मदरबोर्ड के साटा सॉकेट से कनेक्ट होगी रेड केबल, साटा केबल के द्वारा। ये 7 पिन का होता है, जी हाँ। तो इन दोनों में कनेक्ट करते ही हमारा हार्ड ड्राइव हमारे पावर सप्लाई से और हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा ये वर्किंग चालू हो जाएगा। हार्ड ड्राइव से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहे हैं हम लोग, इसमें डेटा रख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो हम लोग कर पाएंगे इस सॉकेट का इस्तेमाल करके। तो दिस वन इज कॉल्ड पावर सॉकेट, 15 पिन का होता है। टोटल आप यहां से काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 15 पिन टोटल है और इसमें आप काउंट कर सकते हो, ये टोटल 7 पिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये हमारा साटा सॉकेट है। ये किससे कनेक्ट होगी, मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। कैसे कनेक्ट होगी, रेड कलर के केबल से। उस केबल को क्या कहते हैं, साटा केबल कहते हैं। और यह हमारा पावर सॉकेट है जो SMPS के पावर केबल से कनेक्ट होगा, जिससे इस हार्ड ड्राइव में पावर आएगी, पावर मिलेगी।
इस सेक्शन को हमने क्या कहा, ये जो हमारा सेक्शन है इसको कहते हैं लॉजिक कार्ड। लॉजिक कार्ड का क्या वर्क है, ये हमारे हार्ड ड्राइव के इंटरनल पार्ट्स, मोटर, उसके डाटा पोर्शन को कनेक्ट करती है लॉजिक कार्ड, और हमें इंटरफेस देती है ताकि हम अपने हार्ड ड्राइव को अपने कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स, मदरबोर्ड, एसएमपीएस से कनेक्ट कर सके। तो इस लॉजिक कार्ड का ये वर्क होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने बताया कि कभी कभी कुछ कार्बन या मॉइस्चर का लेयर आपके सॉकेट में हो सकता है, अगर आपको हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रहा, कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा, तो ये सारा प्रॉब्लम हम लोग समझेंगे आगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हार्ड ड्राइव की वजह से। फिलहाल हम लोग ये सारे कॉम्पोनेंट को समझना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये लॉजिक कार्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो सिंपली आप इस लॉजिक कार्ड को बदल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से इसको बदल सकते हो। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ स्क्रू दिए हुए, ये स्क्रू खोलना है, दूसरा सेम लॉजिक कार्ड लाना, इसके जगह पे लगा देना। अगर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर गया, शॉर्ट कर गया, तो आपको ये रिप्लेस करना होगा दूसरे वाले लॉजिक कार्ड से। क्या प्रोसेस है, मैं आपको ये लॉजिक कार्ड खोल करके अभी दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, खोल करके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कैसे इसको खोलोगे, कैसे आप इसको लगाओगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं इस लॉजिक कार्ड को ऑपरेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का सेट मैंने ये वाला यूज किया है, और इसके लिए हमें जो स्क्रू यूज करना होगा वो टॉरेक्स होता है, टॉरेक्स स्क्रू ड्राइवर, इसको हम लोग टॉरेक्स कहते हैं। ये जो टॉरेक्स स्क्रू ड्राइवर होता है ये हेक्सा होता है, यानी 6 निडिल का होता है, आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन में दिखाने का कोशिश करता हूं। ये देखो, ये हेक्सा होता है, इसमें 6 ब्लेड दिए होते हैं। जैसा कि हमारे ये हार्ड ड्राइव का स्क्रू है, हार्ड ड्राइव में जो स्क्रू लगे हुए हैं ये आप देख सकते हो, स्टार टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो वैसे ही हमने स्क्रू ड्राइवर का यूज किया है ये, जो कि इजीली से इसमें फिट हो जाएगी इस वाले में, ठीक है। आपको साइज देख लेना होगा आपके हिसाब से कि कौन सा आपका इसमें फिट होता है, उसी से खुलेगा। गलत स्क्रू यूज करोगे तो आपका स्क्रू जो है आपके हार्ड ड्राइव के या किसी भी पार्ट्स के वो डैमेज हो जाएंगे, फिर आपका वो ओपन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग समझते हैं इसको कैसे खोला जाता है। जैसे कि मैंने टॉरेक्स स्क्रू ड्राइवर लिया है, सबसे पहले हम लोग इस स्क्रू को ओपन करते हैं। स्क्रू को बहुत ही अच्छे सेफली आपको रखना है, स्क्रू ड्राइवर से जब भी आप स्क्रू खोलो तो स्क्रू को सेफली रखो। दूसरा, साइज आपको देख लेना होगा स्क्रू ड्राइवर का कि ये बिल्कुल इसमें फिट हो जाता हो, ऐसा नहीं कि छोटा हो या बड़ा हो, तो इससे क्या होगी प्रॉब्लम कि आपका स्क्रू का जो नॉब होता है वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको खोलने में या इसको लगाने में परेशानी होगी। यह लॉजिक कार्ड हमारा ओपन हो गया। बस करना क्या है, ये ओपन हो जाने के बाद, सारे स्क्रू खोल लेने के बाद आपको इसको सिंपली यहां से ये ऐसे पकड़ के पुश करना है। यहाँ पे नीचे एक रुई का ये लगा होता है इसकी सेफ्टी के लिए। ये लॉजिक कार्ड हमारा खुल गया। ये कैसे लगा हुआ था, पिन के द्वारा। ये देखो आपको यहाँ पे सिम कार्ड के जैसे दिख रहे होंगे एक क्लिप, ये जो है इस पोर्शन में चिपके हुए थे, दैट्स इट। इसमें कोई वायरिंग नहीं होती है, सिंपली समझना है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं। ये आपको पिन दिख रहा होगा लॉजिक कार्ड का ये सेक्शन, और हार्ड ड्राइव का ये सेक्शन मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो, इस वाले सेक्शन में हमारा ये जो लॉजिक कार्ड का ये जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया ये यहाँ पे चिपका हुआ था, ये कुछ ऐसे था, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लॉजिक कार्ड जो मैंने अभी जस्ट रिमूव किया है, ठीक है। इसमें क्या क्या होती है, कुछ आईसीज होती है, ये आपका आईसी है ये भी, और कुछ इम्पोर्टेंट आपका कैपेसिटर, रजिस्टर लगे होते हैं जो इसके पावर को, यूनिट को, 12 वोल्ट पावर सप्लाई को, वहां तक डेटा को और पावर को ट्रैवल करने का काम करता है, हार्ड ड्राइव में पहुंचाने का काम करता है, और ये हमें क्या करता है, इंटरफेस देता है। इसको क्या कहते हैं, लॉजिक कार्ड कहते हैं। क्लियर हो गया होगा ये आपका, ठीक है। अब मैं इस हार्ड ड्राइव को अगर दिखा दूं तो किस किस जगह से ये कनेक्टेड था, तो यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला तो आपको इस जगह से ये कनेक्टेड था, दूसरा आपका यहाँ पे ये पिन है इसका, ये मोटर वाला सेक्शन है, दो जगह से, ठीक है। एक तो ये मोटर वाले सेक्शन से,
और एक आपका ये डिस्क वाले सेक्शन से, डिस्क मोटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो सेक्शन क्या क्या कनेक्टेड था वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये वाला सेक्शन आपका पावर सेक्शन हो गया, जिससे हार्ड ड्राइव को पावर मिलेगी। ये सेक्शन आपका डिस्क सेक्शन हो गया। ये दोनों आपके हार्ड ड्राइव से कनेक्टेड थे, एक ये वाला, ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पिन्स, ये हार्ड ड्राइव में दिखा दूं, कंपेयर कर लो आप। ये वाला जो सेक्शन है इससे कनेक्टेड था लॉजिक कार्ड, और ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये हमारा कुछ पिन्स दिया हुआ है, 15 पिन, ठीक है, ये पिन दिए हुए हैं, इस पिन से हमारा लॉजिक कार्ड कनेक्टेड था। ये दोनों सेक्शन ऊपर में कॉटन का एक लेयर दे दिया जाता है, रुई या कुछ सेफ्टी के लिए, ये कुछ भी नहीं है, सेफ्टी के लिए उसको ठीक से, ताकि वो स्टेबल कर सके, बैठ सके, डैमेज ना हो। इस प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रुई का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ रेस्ट, बैट रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ड ड्राइव का बैक साइड पोर्शन। इंटरनली अगर मैं देखूं, जैसे कि इससे पहले लेसन में मैंने आपको बताया कि हार्ड ड्राइव के अंदर मोटर होते हैं, कुछ प्लेट होते हैं जो जिसमें ही हमारा डेटा स्टोर होता है। तो मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शन होता है उनका, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं, देन इसको थ्योरेटिकली भी हम लोग थ्योरी के रूप में समझेंगे। आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो इसमें भी आपको वो टोरेक्स स्क्रूज दिख रहे होंगे, ये स्क्रूज को ओपन करेंगे बैक साइड से तो हमारा हार्ड ड्राइव क्या होगा, ओपन होगा और हमें सारे इंटरनल पार्ट्स हमारे पास होंगे, ठीक है। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्क्रूज को ओपन करते हैं, नंबर वन स्क्रू इसको इधर रखते हैं, ये चार हमारा ऑलरेडी स्क्रू था लॉजिक कार्ड का, इसको अलग रखते हैं और इसको अलग रखते हैं, ठीक है। नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है, और ये हमारा नंबर फोर वाला स्क्रू ये यहां पे है भाई। कभी कभी ये अगर स्टक हो गया हो तो थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ये इजिली खुल जाएगी। बस ये करना है कि आपको सही स्क्रू ड्राइवर का चूज करना है, स्क्रू के अकॉर्डिंग। एक सेशन मैं स्क्रू ड्राइवर से रिलेटेड भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे स्क्रूज और स्क्रू ड्राइवर के बारे में बता दूं, ताकि आप जब भी कुछ भी असेंबल डिसेंबल या कुछ भी आप ओपन करो किसी भी डिवाइस का, तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि कौन सा स्क्रू किसमें लगेगा। सबका अपना कुछ ना कुछ नाम है, जैसे मैं जिस स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहा हूं वो टोरेक्स है। तो ये सारे हमारे जो स्क्रूज हैं, सारे स्क्रूज हमने निकाल दिए। अब इस कवर को हमें निकालना है, तो ध्यान रहे इस कवर को निकालने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर ही यूज करना है, स्लॉटेड वाला, इसको निकाल देना है और इसके जगह पे आपको स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना है। स्लॉटेड इसको कहते हैं, ये जो माइनस वाला होता है साइन का, इसको स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो इससे हमको रिमूव करनी है अपने हार्ड ड्राइव को। कैसे रिमूव करनी है, तो साइड से ये जो आपको जगह दिख रहा है ना, इधर से ऐसे इसको लगाना है धीरे धीरे हर एक साइड से, हाथ से यूज नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर से ही करना है। थोड़ा सा ये टाइट होता है, इसमें कंप्रेस एयर डाला होता है और इसको रबर से पेस्ट किया जाता है, इस वजह से नॉर्मली इसको खोला नहीं जाता है, क्योंकि इंटरनली इसमें कुछ खराबी नहीं होती है। जब तक आप इसको फिजिकली अपने हाथों से पटक ना दो, गिरा ना दो, तब तक इसमें कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होता है।
सॉरी एक 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 मेरे से मिस्टेक हुआ, मैं दिखा दूं कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, जब वारंटी सील होती है तो यहाँ पे एक और स्क्रू होता है, उस स्क्रू को खोलोगे, ये खोलना बाकी रह जाता है, ठीक है, बाकी रह गया था। यहाँ पे लिखा होता है ना डू नॉट सील ब्रोकन, वारंटी पीरियड के अनुसार जब भी आप इसके सील को जब तक नहीं ब्रॉक करते हो तब तक आपका वारंटी रहता है, तो हमारा तो ये आउट ऑफ वारंटी है, इजिली इसको खोल सकते हैं। तो आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे सील दिया हुआ रहता है और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट ब्लॉक इन, ये यहाँ पे इसको खोलेंगे, भीतर भी वही स्क्रू होता है, ठीक है। ये वारंटी वाला टर्म मैं भूल ही गया था, अब हम लोग जो है इसको ओपन करते हैं और ये आपका हार्ड ड्राइव का पूरा इंटरनल पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही चमकदार, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको मिरर के जैसा दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हमारा जो है ये हार्ड ड्राइव का इंटरनल पार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो इस पार्ट्स को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो गोल सा पहिया दिख रहा मिरर का, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा इसको कहते हैं प्लेटर, जी हाँ, ये हमारा प्लेटर होता है, यही रोटेट करता है फुल स्पीड में। और ये हमारा हो गया इक्वेटर, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इस वाले सेक्शन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ये जो हमारा है वो इक्वेटर है, इसको कहते हैं इक्वेटर एक्सिस। और ये हमारा रीड राइट हेड, रीड राइट हेड यही वो बंदा है जो हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है, यही वो बंदा है। जब ये हार्ड ड्राइव फुल स्पीड में घूमती है तो इस रीड राइट हेड का काम होता है कि कंप्लीट हार्ड ड्राइव के पोर्शन से ये क्या करती है, डाटा को रीड करती है, ये फुल स्पीड से घूमता है। ये आपका मोटर है जो 12 वोल्ट पावर पे वर्क करती है। इस प्लेटर का एक खास बात मैं आपको बता दूं सिंपल टर्म में कि इस प्लेटर का एक खास बात यह है कि प्लेटर की संख्या मल्टीपल हो सकती है, एक हार्ड ड्राइव में मल्टीपल प्लेटर भी हो सकता है, जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो इस हार्ड ड्राइव में सिंगल प्लेटर है, सिंगल प्लेट है, और एक प्लेटर का ये जो आपको रीड राइट हेड दिख रहा है ये आपके प्लेटर के दोनों साइड होते हैं, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए रीड राइट हेड, ये आगे की ओर से और ये आपको बैक साइड यानी इसके पीछे भी आपको दिख रहा होगा, आप पीछे देखने का कोशिश करें, ये फ्रंट हो गया, इसके बैक देखें तो बैक में भी आपको ये हेड दिख रहा होगा, जी हाँ, ठीक है। तो ये प्लेटर का क्या करता है, प्लेटर की खास बात यह है कि प्लेटर के डिस्क के दोनों साइड में आपका डेटा स्टोर होता है, तो ये रीड राइट हेड का काम क्या है, ये डेटा को दोनों साइड से रीड करता है, और ये इक्वेटर है जो आपके रीड राइट हेड को कंस्ट्रक्ट किए हुए फिक्स करके रखे हुए, और इसी से हमारा जो इंटरफेस जो था वो हमारा कनेक्ट होता है, ये इंटरफेस, ये यहाँ पे एक वायर होती है, ये पतली सी यहाँ पे वायर है, ये रिबन की आप देख सकते हो इस वायर को, ये रिबन कॉपर की वायर है जिससे हमारा पावर जो है हार्ड ड्राइव तक पहुंचता है, ठीक है, और हमारा डेटा जो है यहाँ से रीडिंग होती है, ये हमारा डेटा केबल का वायर है, ठीक है, और बाकी हमारा ये मोटर को पावर देने के लिए इस सेक्शन से हमारा लॉजिक कार्ड कनेक्ट होता है, और इससे क्या होता है हमारा डेटा ट्रैवल होती है, डेटा को हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं इजीली। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या कंपोनेंट इसमें होता है। पहला नंबर वन मोटर, जिससे कंसिस्ट होता है आपका प्लेटर, प्लेटर की खास बात आपको बता दूं कि इसके दोनों साइड से डेटा स्टोर होता है और ये फुल रफ्तार से घूमती है, जब ये घूमती है तो ये जो आपका मेन पार्ट है हार्ड ड्राइव का सबसे इम्पोर्टेंट, इसको कहते हैं रीड राइट हेड, जो प्लेटर के दोनों साइड से डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। ये जो आपका रीड राइट हेड मैंने बताया, ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है, इस रीड राइट हेड जो होते हैं वो आपके इक्वेटर, इस पोर्शन को कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर से कनेक्टेड रहते हैं और ये इक्वेटर का एक्सिस होता है, एक्सिस यानी कच्छा, जिसमें ये हेड जो है मूव करती है, हेड जो है मूव करती है और हार्ड ड्राइव के कंप्लीट एरिया से डाटा को रीड करने का और राइट करने का काम करती है। और ये जो आपका पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा डेटा केबल है जो हमारे हार्ड ड्राइव के लॉजिक कार्ड के द्वारा इस पोर्शन से कनेक्टेड होता है, और यह हमारा मोटर का सेक्शन है जिससे हमारे हार्ड ड्राइव के मोटर को
पावर मिल पाती है, 12 वोल्ट का पावर मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हार्ड ड्राइव का कंस्ट्रक्शन होता है। और इसमें जो मेन वर्क होता है, ये आपको फिजिकल लेआउट यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका जो मेन काम होता है वो फिजिकली लॉजिकल काम होता है। यानी हमारा जो कंप्लीट डेटा इसमें रहता है वो एक काल्पनिक डेटा है, लॉजिकल है। ठीक है, तो इसके सारे कंपोनेंट को हम लोग थ्योरेटिकल वे में नेक्स्ट सेशन में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फ्रेंड्स। तो आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा, हार्ड ड्राइव का कंस्ट्रक्शन का सेशन, कंप्लीट सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका थ्योरेटिकल वे को, सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हम लोगों ने इसको असेंबल किया था, ठीक उसी तरह से हम लोग इसको डिसेंबल किया था, वैसे हम लोग डिसेंबल करेंगे। इसके कवर को लगाना हो, सारा चीज क्लियर हो। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि आप एक रनिंग अच्छे हार्ड ड्राइव को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खोलना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, इसके इंटरनल लेआउट को समझाने के लिए इसको ओपन करके दिखाया। नॉर्मली अगर आप अच्छे हार्ड ड्राइव को इस तरीके से अगर ओपन कर देते हो तो वो हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें एक एयर कंप्रेस करके डाला होता है, जब ये हमारे मॉइस्चर में आएंगे, मॉइस्चर के नमी में आएंगे, एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, वैसे ही इस डिस्क का लेयर का जो इसमें क्या होता है, एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का लेयर होता है। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, जी हाँ, तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा और आपका हार्ड ड्राइव का सारा डेटा, इवन आपका हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाएगा, फिजिकली डैमेज हो जाएगा, फिर ये कभी भी नहीं बनेगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से किसी भी रनिंग अच्छे हार्ड ड्राइव को ओपन नहीं करें। आप जब भी ओपन करें, खराब हार्ड ड्राइव को ओपन करें, उसको देखें, समझें, जैसे कि मैंने करा है। बट ये हमारा जो हार्ड ड्राइव है, क्योंकि ये हमारे लिए यूज का नहीं था, ऐसे तो ये अच्छा था, 80 GB का है, बट हमारे यूज का नहीं था, इसलिए मैंने इसको ओपन करके आपको दिखाया। ठीक है, इसको लगाने के लिए क्या करना है, कवर को इसके जगह पे बैठाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको स्क्रूज को बारी बारी से अपने जगह पे टाइट करनी है। सारे स्क्रूज को आपको क्या करनी है, ठीक से टाइट कर देनी है। मेरे जो स्क्रू ड्राइवर है, इसके मैग्नेट जो है वो घिस गया है। इस स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, मैग्नेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका स्क्रू जो है ना, इसमें स्टक हो गई। आप देख सकते हो ये स्टक नहीं हो रहा, ये आपका हो गया। अब इस लॉजिक कार्ड को भी लगा देते हैं हम लोग इसके जगह पे, जैसा था ये बिल्कुल वैसा ही आपको फिट करनी होगी। और ये हमारा लॉजिक कार्ड को इस जगह पे ऐसे बिठा देना है। ठीक है, ये अपने स्क्रू के पोर्शन में बैठ जाएगा,
तो ऑटोमेटिक क्या होगी ना, वो टाइट हो जाएगा। आप जब भी इसको चाहो इजिली टाइट कर सकते हो। इसमें भी स्क्रूज को ठीक से टाइट कर देनी है आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा लेआउट हार्ड ड्राइव का सारा इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा क्या स्ट्रक्चर था हमारे हार्ड ड्राइव का, क्या लुक थी उसकी। डिस्क का मेरे में जो बताया आपको कि उसमें एक डिस्क होता है, मल्टीपल होता है, बहुत सारे हार्ड ड्राइव में दो भी डिस्क होते हैं, दो से ज्यादा। तो जितना डिस्क होगा, दो डिस्क होगा तो उसमें चार आप कह सकते हो। अगर एक डिस्क में रीड राइट हेड कितने थे, दो थे, एक ऊपर से थे और एक नीचे से थे, तो दो डिस्क होगा तो यानी रीड राइट हेड की संख्या क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फ्रेंड्स आज का। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपको वो सारा डाउट को क्लियर कर सकूं। अभी तक वीडियो को जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करें ताकि आपका एप्रिसिएशन मुझे प्राप्त हो सके और मैं और भी अच्छे अच्छे एडवांस लेवल का वीडियो आपके सामने लाता रहूं, सेशन हमारा कंटिन्यू चलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज करो ताकि आगे का सेशन आपके लिए आता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कंटिन्यू सीखते रहो। लर्निंग, सीखेगा इंडिया तो आगे जाएगा इंडिया। जी हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक माई फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, गुड बाय।